उनके भीतर है, क्योंकि आज यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दिन है गुजरात दौरे का और गांधीनगर में वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ वहाँ पर, एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लालाहट दिख रही है। किनारे पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि अंदर उनके रोड शो में किसी तरीके की बाधा ना आए और साथ साथ सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम कर रहे हैं। और आगे बढ़ता हुआ पीएम नरेंद्र मोदी का ये काफिला और साथ साथ अब मिशन गुजरात की ओर भी वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम तैयारियां वहां भी करनी है, लेकिन उत्साह भी बढ़ाना है कार्यकर्ताओं का और जनता के बीच भी पहुंचना है, उनकी बातों को समझना है, उनकी समस्याओं को समझना है और इसी पर टिकी रहती है और अड़ी रहती है बीजेपी, ताकि वो जनता तक पहुंचे, उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझने की उनकी ओर से कोशिश की जाए, उनके कार्यकर्ताओं से कोशिश की जाए। और ऐसे में एक साफ संदेश यहां पर कार्यकर्ताओं को भी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, इस वक्त गांधीनगर में उनका ये रोड शो हो रहा है और खुद जमीन पर उतरकर वो जनता से जुड़ने की पूरा प्रयास करते हैं। और गांधीनगर के इस रोड शो के बाद सीधे रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, वहां पर भी दीक्षांत समारोह है और दीक्षांत समारोह का वो हिस्सा भी बनेंगे। और कल भी पंचायत महासम्मेलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया था और पीएम मोदी का रोड शो इस वक्त आप देख रहे हैं। दो दिवसीय दौरे पर निकले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज दूसरा दिन हो चला है और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की इमारत का भी आज उनको उद्घाटन करना है, साथ साथ वहां पर दीक्षांत समारोह भी है और दीक्षांत समारोह में उनका संबोधन भी है और संबोधन से क्या संदेश देने की उनकी कोशिश होती है। और साथ साथ इसके बाद लगभग शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री खेल महाकुंभ का उद्घाटन भी करते हुए नजर आएंगे और इस अवसर पर भी वो संबोधित करेंगे और इस संबोधन में क्या कुछ इस बार कहते हैं, क्योंकि 4 राज्यों में जीत हासिल करने के बाद अब क्या संदेश होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि गुजरात मिशन के लिए वो अभी से डटे हुए दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है क्योंकि जमीन पर आकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से मिलते हैं और इसीलिए जनता का प्यार भी उनको हर राज्य में भरपूर तरीके से मिलता है, जैसा कि हमने इन 5 राज्यों के नतीजों में भी देख लिया है। गोवा हो, मणिपुर हो, उत्तराखंड हो या फिर यूपी हो, हर जगह जनता ने सप्रेम बहुत सारा प्यार उनको दिया है और इसी वजह से वहां पर सरकार भी अब बीजेपी अपनी बनाती हुई नजर आएगी। लेकिन इस वक्त तस्वीरें आप सीधे गांधीनगर से देख रहे हैं, आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का और दूसरे दिन वो पहुंचे हुए हैं गांधीनगर। पहले दिन भी अहमदाबाद वो गए थे, अहमदाबाद में इसी प्रकार उनका रोड शो था। और गांधीनगर से इस वक्त जनक दवे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, भारी उत्साह देखने को मिल रहा है आज गांधीनगर में भी। निश्चित तौर पर देखिए, ये कल का भी हमने रोड शो देखा, उसमें भी तकरीबन 4 लोगों का दौरा जो किया गया था पार्टी की ओर से, वो लोग सड़कों पर थे, कार्यकर्ता थे, वो केवल अहमदाबाद और गांधीनगर के नहीं, पूरे गुजरात के अलग अलग जोन से आए थे। आज भी इस तरीके का रोड शो जो आयोजित किया गया है राजभवन से लेके लवाद गांव, जहाँ पर जो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर वेलकम पीएम के लिए, क्योंकि कोरोना काल में वो नहीं आ पाए थे 2 साल से पीछे सर, हालांकि जब आए तब वो एक गांधी आश्रम की एक मुलाकात थी, उसके बाद जनता की भी जाना की आना नहीं हो पाया था। और इसके बाद आज ये जो 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, वो 5 राज्यों के, उसमें 4 में जिस तरीके से उन्होंने बढ़त हासिल की, जीत हासिल की, खासतौर पर यूपी में जिस तरीके से जीत हासिल की, उसकी राष्ट्रीय राजनीति में भी इसके चर्चे हैं। और ऐसे में जब वो कार्यकर्ताओं के बीच आते हैं, गृह राज्य में आते हैं, तो एक मैसेज, वो चाहे उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता हो, चाहे मणिपुर का कार्यकर्ता हो, उत्तराखंड का कार्यकर्ता हो या गोवा का कार्यकर्ता हो, उन सबको यहाँ से वो नतमस्तक, उनका थैंक यू कहेंगे, लोगों की जनता के बीच में जाएंगे, वही जनता की औरतें भी जो कार्यकर्ता है वो भी उनके वेलकम के लिए खड़े हैं। गृह राज्य है तो जाहिर तौर पर उसका एक अटैचमेंट कहें वो तो साफ तौर पर दिखता ही है, लेकिन अब चूंकि इसी साल गुजरात में दिसंबर महीने में जो चुनाव है, विधानसभा के जो ड्यू है, तो ऐसे में समय ज्यादा नहीं है, कार्यकर्ताओं को चार्ज अगर मॉरल बूस्टअप रहता है इस जीत के बाद और लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, तो इस तरीके से जीत अगर उनके और कार्यकर्ता के लिए जब जीत मिलती है और नेता उनके बीच होता है तो उत्साह दुगना हो जाता है। और बिल्कुल उसी के तरीके से उत्साह दुगना करने की एक कोशिश के तौर पर आप इसको कह लीजिए कि पीएम मोदी यहाँ पर आए। और अब चूंकि ये पहला नहीं, इसके बाद भी अब लगातार दौरे गुजरात में उनके रहेंगे, जो रणनीतिकार हैं बीजेपी के वो बता रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी के लिए इसलिए यहाँ है। देखिए, यहाँ पर मैं कल भी कह रहा था कि गुजरात में चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, चेहरा केवल मोदी है। और मोदी के चेहरे पर भी, भले ही वो 4 टर्म से विधायक जीतता आया हो, भले ही वो नया उम्मीदवार हो और विधायक बनने के लिए तो चुनाव लड़ रहा हो, तमाम में चेहरा केवल पीएम मोदी होते हैं। सरकार की नीतियां,
पीएम मोदी की सरकार की नीतियां और उसके बाद गुजरात में जो सरकार की नीतियां थी, चुनाव है वो सरकार नहीं संगठन लड़ता है, तो जब कार्यकर्ता संगठन में है, संगठन उनकी ताकत है, तो सरकारी नीतियों को खास तौर पर जनता के बीच ले जाना, जनता के बीच उत्साह बरकरार रखना और एक भरोसा, पीएम मोदी का चेहरा एक भरोसा है, वो भरोसे की ताकत है और इसी के चलते लगातार आप पिछले 25 साल से गुजरात में देख लीजिए क्यों गुजरात में बीजेपी लगातार इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। हालांकि 2017 में 99 तक सिमट गई, वो जरूर एक सबक था कार्यकर्ताओं के लिए क्योंकि कई बार अति उत्साह में भी दिक्कतें आ जाती है, हालांकि पाटीदार आंदोलन और बाकी सारी चीजें भी लगी, लेकिन जीत हासिल की और उसके बाद धीरे धीरे जो 111 तक वो विधायक भी पहुंचे। तो कुल मिलाकर कहें कि कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहता है, संगठन की ओर से कार्यक्रम दिए जाते रहते हैं। अब चूंकि समय ज्यादा नहीं है, 8-9 महीने का समय राजनीति में बहुत लंबा वक्त नहीं होता और ऐसे में कार्यकर्ता चार्ज रहता है, ऐसा नहीं है यहाँ पर कांग्रेस की तरह की पिछले चुनाव जब घोषित हो तब कार्यकर्ता एक्टिव होते हैं, नेता एक्टिव होते हैं और जनता के बीच जाते हैं, यहाँ लगातार कार्यक्रम दिए जाते रहे संगठन में, खुद छोटे मोटे सारे कार्यक्रम दिए जाते रहते हैं और ऐसे में कार्यकर्ता जनता के बीच दिखता है और जनता उसी पे भरोसा करती है। पीएम मोदी का चेहरा है वो तो एक भरोसे सबसे बड़ा भरोसा है, लेकिन साथ में जब उनकी काम जो स्थानीय जनता के काम है वो जब काम हो जाते हैं तो उसका असर आपको चुनाव नतीजों में दिखता है। और इसी के चलते मैं जो बात कह रहा था कि 25 साल से गुजरात में बीजेपी क्यों बरकरार है, उसका रीजन यही है कि जनता की जो उम्मीदें थी, जनता का जो भरोसा था वो हमेशा पूरा हुआ है। पीएम मोदी ने जो जनता की जो जरूरतें थी वो चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे रहे हो या पीएम के तौर पे, देश के पीएम के तौर पे रहे हो, तो ये एक पीएम मोदी के चेहरे की ताकत है, एक व्यक्तित्व की ताकत है कि जनता जुड़ती है उनके साथ और एक पूरा एक कहे कि जब उनकी बात रहे, उनकी सभाओं में आप भीड़ देखी है तो वे भी इसी की ताकत है। तो ऐसे में इस तरीके के कार्यक्रम लगातार दिए जाना और जनता के बीच जाना, वो जाहिर तौर पर अगले साल इसी साल जो दिसंबर महीने में चुनाव होने जा रहे हैं उसी का एक पहला कदम आप मान सकते हैं, पहली शुरुआत कह सकते हैं। जी बिल्कुल जनक, पहली शुरुआत इसको माना जा सकता है क्योंकि मिशन गुजरात में अब जुट गई है बीजेपी और खासतौर पर जैसा कि जनक ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वहां पर एकमात्र चेहरा है, एक छोटा विधायक भी उनके ही चेहरे को लेकर आगे बढ़ता है क्योंकि भरपूर प्यार गुजरात से उनको हर बार मिलता आया है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि मिशन गुजरात में अब जुट गई है बीजेपी और 8-9 महीने का वक्त ही उनके पास बचा हुआ है, तो ऐसे में लगातार जनता तक पहुंचने की कोशिश, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश और गांधीनगर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोड शो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और पूरे भरपूर उत्साह के साथ आज वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और अभी 10 मार्च को ही नतीजे आए थे 4 राज्यों के, उसके बाद भी देखिए दूसरे ही दिन यहाँ गुजरात पहुंच गए पीएम मोदी और बड़ा संदेश यहाँ पर कार्यकर्ताओं को भी इससे जाता है, खासतौर पर जो गुजरात की कार्यकर्ता है, कि थकना नहीं है, रुकना नहीं है, लगातार डटे रहना है। और ये तस्वीरें भी देखिए एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं जनक, यहाँ से अब रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की ओर भी बढ़ेंगे पीएम मोदी और क्या कार्यक्रम आज उनके निर्धारित हैं? देखिए जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक आज 2 बड़े पब्लिक अपीयरेंस है पीएम मोदी के, एक जो अभी आज थोड़ी देर बाद जो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में जो दीक्षांत समारोह है वहां पर पीएम मोदी पहुंचेंगे और वहां जो युवा छात्र है उनको उनकी जो डिग्रियां हैं वो डिग्रियां उनको देंगे और उसके बाद उनका एक भाषण होगा और उसके बाद दोपहर वो वापसी राजभवन आ जाएंगे और वहां पर कुछ जो संगठन के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करनी है, रिजर्व का उनका समय रखा गया है। लेकिन शाम का वक्त जो खेल महाकुंभ की शुरुआत है वो एक बड़ी इवेंट के तौर पर, खेल महाकुंभ की शुरुआत पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने शुरू की थी, उसका लॉजिक तर्क ये था कि प्रतिभाएं जो गाँव में है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, खास तौर पर खेल कूद में। तो खेल कूद में आपने आप देश में भी देखा कि इस बार जिस तरीके से देश ने परफॉर्मेंस किया, चाहे वो एशियाड हो, ओलंपिक हो, सब जगह पर जिस तरीके से अब एक के बाद एक भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ता जा रहा है, गोल्ड मेडल हमारे साथ मिलते जा रहे हैं, तो इस तरीके की शुरुआत उन्होंने गुजरात में भी की थी, गुजरात में एक शुरुआत की और अब इस मंच पर लेके आए हैं कि गाँव का जो खासतौर पर जो टैलेंट है वो टैलेंट वेस्ट ना जाए, जो प्रतिभाएं हैं वो वेस्ट ना जाए, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उसका सरकार उसका खर्च उठाए और अच्छे प्लेटफॉर्म मिलने के वो राष्ट्रीय खेले, इंटरनेशनल चीजें खेले। तो ये सारी चीजें उसको लेकर कई पॉलिसियां भी बनाई गई है जिसकी आज अनाउंसमेंट होगी शाम को। तो ऐसे में एक बड़ा कार्यक्रम जिसको कहें कि खेल महाकुंभ का एक विजन था पीएम मोदी का जब गुजरात के
सीएम के तौर पे थे, अब उस बीज को उन्होंने रोपा था, आज वो एक पेड़ की तरह, एक बड़े पेड़ की तरह वो तैयार हो चुका है। तो ऐसे में उससे कितने फायदे होंगे, कहीं पॉलिसियां होंगी वो युवाओं को कितने आकर्षित करेगी, क्योंकि युवाओं का मसला हमेशा रहता है। और आप समझिए पीएम मोदी का अगर कोर वोट बैंक अगर कोई है तो महिलाएं और युवा वोटर है। तो ऐसे में उनको खासतौर पर उनको ध्यान में रखते हुए आज से 9 साल पहले इस सोच को, 10 साल पहले उस सोच को रखा गया था कि खेल महाकुंभ ही क्यों ना शुरू किया जाए। तो उस तरीके से जैसे ओलंपिक्स होते रहते हैं इंटरनेशनल स्तर पर, ऐसे यहाँ खेल महाकुंभ होते हैं, जो राष्ट्रीय यहाँ पर गुजरात के स्तर पर हर जिले की प्रतिभाएं आती हैं, वो अपना परफॉर्मेंस दिखाती हैं, अच्छा परफॉर्म करने पर सरकार उनको अवार्ड घोषित करती है और फिर वो राष्ट्रीय खेलते हैं। तो एक प्रक्रिया का तौर पर, और इसी के चलते ये प्रोजेक्ट पीएम मोदी से बेहद करीब से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उस प्रोजेक्ट को चाहे वो आनंदीबेन की सरकार हो, पीएम बनने के बाद यहाँ आनंदीबेन की सरकार हो, विजय रूपानी की सरकार हो, या अभी भूपेंद्र पटेल की सरकार हो, सभी सरकार ने इस जो मिशन था उस मिशन को या उसके विजन को कहें, वो विजन को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो शाम को जब वो राजभवन से स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम है वहां पर जाएंगे, उस बीच भी एक छोटा सा रोड शो अहमदाबाद की जनता के साथ आयोजित किया गया कि जनता के बीच पीएम जाएंगे। और बिल्कुल आज अभी जो आपने तस्वीरें देखी बिल्कुल उसी तरीके की तस्वीर शाम को भी आपने देखने को मिल सकती है। जी जनक, और तस्वीरें इस वक्त भी हम दिखा रहे हैं गांधीनगर में किस तरीके से भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। रोड के किनारे लोग धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो गए हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ